नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? क्या मेरी आवाज़ आपको क्लियर है? तो जल्दी जल्दी से क्लास में आ जाइए। मेरा नाम है अनुराधा सिंह। और दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट हमारा आज का प्रैक्टिस सेशन है, तो हम आज करेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे भी जो है क्लास करने वाले हैं। मैं एक बार इसको शेयर कर दूँ आप सभी के साथ। दोस्तों मैंने शेयर कर दिया है और आप जल्दी जल्दी से आ करके ज्वाइन कर लीजिए क्लास को, और आज आपकी क्लास चलेगी। पूरा आपका प्रैक्टिस सेशन है, बायो और केमिस्ट्री के क्वेश्चंस पे आपकी पूरी क्लास चलेगी। आए आए जल्दी से आ जाएं, मुझे वेट है कि कोई बच्चा जल्दी से क्लास में आए तब मैं क्लास को स्टार्ट करूँ। ओके, तब तक हम लोग यहाँ पर पीपीटी ओपन कर देते हैं। हाँ जी, प्रभात रंजन जी, हेलो वेलकम, कैसे हैं प्रभात? ओके, हेलो हेलो हेलो, वेलकम वेलकम वेलकम। अच्छा हूँ मैम। ओके, तो प्रभात जी, आज का जो आपका टॉपिक है ना, ये कोई स्पेसिफिक टॉपिक बेस्ड नहीं है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम लोग इसमें इंक्लूड किए हुए हैं। बीमारियों से भी रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे और बाकी पूरा ह्यूमन फिजियोलॉजी से भी रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। तो प्रभात रंजन और हनी श्रीवास्तव जी, आइए, स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना आज का सेशन। मेरा नाम अनुराधा सिंह है, और अगर आपको मेरी क्लासेस लाइव करनी है तो आप शाम 7 बजे रेलवे कैटेगरी में आप ज्वाइन कर सकते हैं मुझे, और उसके अलावा एसएससी कैटेगरी में रात को 10 बजे मेरी क्लास चलती है। सब्जेक्ट है मेरा जनरल साइंस। जनरल साइंस हम आपको उसका प्रिपरेशन करवाएंगे, और ऑलरेडी मेरी क्लासेस अन अकेडमी पे रेलवे और एसएससी दोनों कैटेगरी में चल रही है, ठीक है? तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। आपको बाकी किसी भी कैटेगरी में प्लस लेना हो, आप मेरा रेफरल कोड यूज़ कर सकते हैं। मेरा रेफरल कोड है अनुराधा YT10, ठीक है? चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, बहुत ही ध्यान से पढ़ेंगे। Which of the following is not the part of renal tubule? इसमें से कौन सा renal tubule यानी वृक्क नलिका का हिस्सा नहीं है? ध्यान से देखिएगा, Henle loop, glomerulus, Bowman capsule और collecting tube। जो renal tubule का हिस्सा नहीं है वो आपको यहाँ पर select करना है। क्या हो जाएगा? रीनल ट्यूब्यूल का मतलब होता है दोस्तों, हम लोग नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, और यहाँ पर नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर में आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। ये जो आपका ग्लोमेरुलस है, ये एक अलग से हिस्सा आता है, एक अलग से ब्लड कैपिलरीज आती हैं जो कि आपका बोमन कैप्सूल में फिट हो जाती हैं, इसलिए हम लोग उसको नेफ्रॉन का हिस्सा नहीं मानते हैं। हाँ, अगर आप स्ट्रक्चर नेफ्रॉन का बनाएंगे तो इसमें आपको इसको ड्रॉ करना पड़ता है ग्लोमेरुलस को, बट ये कि ये एक आपका ब्लड वेसल के तौर पर जाना जाता है। नेक्स्ट में आते हैं दोस्तों, ये बताइएगा, जब भी वेस्ट प्रोडक्ट एडिनिन और ग्वानिन ये अगर उत्सर्जित किया जा रहा है तो ये जो है किस फॉर्म में ह्यूमन रिलीज करेगा? एडिनिन और ग्वानिन को ह्यूमन कौन से फॉर्म में रिलीज करेगा? अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड और एलेंटोइस। चलिए, अब ये भी अच्छा क्वेश्चन है। आप ये दोनों आपके अमीनो एसिड्स हैं, एडिनिन और ग्वानिन, इसको अगर रिलीज करना है तो किस फॉर्म में वो रिलीज करेगा, ये आप जल्दी से बता दीजिए। क्या होगा करेक्ट आंसर, क्या हो जाएगा जल्दी से बता दें। हाँ जी, तो यहाँ पर वेस्ट प्रोडक्ट जो है आपका एडिनिन और ग्वानिन जो भी रिलीज करेगा, जो भी ह्यूमन में जब भी ये रिलीज होगा तो यूरिक एसिड के फॉर्म में रिलीज होगा। प्रभात रंजन जी, आपका आंसर बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आया हुआ है। चलिए अच्छा, नेक्स्ट में आ जाते हैं हम लोग, यहाँ पे आंसर करेंगे, द मेथड नॉट यूज एज अ बायोलॉजिकल कंट्रोल इज, पूछा गया है जैविक नियंत्रण के रूप में जो विधि प्रयोग नहीं की जाती है वो आपको बताना है, नहीं वाली विधि को सेलेक्ट करना है। यहाँ पे ऑप्शंस आपके पास अलग अलग है। सोनू कुमार जी, राम राम। सोनू यहाँ पे सी बता रहे हैं, सी आर, गुड मॉर्निंग। यूज ऑफ पेस्टिसाइड, वेरी गुड। पेस्टिसाइड का यूज कभी भी आपके बायोलॉजिकल मेथड की कैटेगरी में नहीं आता है, वेरी गुड। कॉड इज अ वैरायटी ऑफ, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, फास्ट चलेंगे आज ताकि कम से कम 100 क्वेश्चन हम लोग 1 घंटे के अंदर में कवर कर लें। प्रभात, अगर नीम एक्सट्रैक्ट का यूज होता मान लीजिए तो आपका आ जाएगा ना उसमें, बायोलॉजिकल कंट्रोल में तो आ ही जाएगा।
तो वो उसकी बात नहीं कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पे पेस्ट होगा। पेस्ट मतलब कि हम कीटनाशी जो हम केमिकल वाला लेके आते हैं उसकी बात कर रहे हैं। हनी वेरी गुड, कट आपकी फिश की वैरायटी होती है, ठीक है। यहाँ पूछा गया सूखे फलों की कलियाँ, फूलों की कलियाँ किस मसाले में यूज़ करी जाती हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है ये भी। इलायची, दालचीनी, लौंग, सेफ्रॉन। आपको पता होना चाहिए जो भी मसाला हम लोग यूज़ करते हैं वो प्लांट का कोई ना कोई भाग ही होता है जिसको हम खा रहे होते हैं। और यहाँ पर आपको ये बताना है कि सूखे फलों की जो कलियाँ होती हैं वो किस मसाले के फॉर्म में यूज़ होती हैं। जी, प्रभात रंजन जी, ये क्लास यूट्यूब पे हो रही है। सिया, क्लोव्स और हनी कार्डमम बता रहे हैं। ध्यान से सोचिए, लौंग का फली खाते हैं, कली खाते हैं, या फिर आप जो है इलायची का खाते हैं, दोनों में से आपको करेक्ट आंसर बताना है। क्लोव्स करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। लौंग का हम लोग सूखे फूलों की कली खाते हैं, फूल की कली होती है उसको सुखाया जाता है, वही हम लोग खाते हैं। केसर में कौन सा भाग खाते हैं बताइएगा आप लोग, तब तक हम लोग दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है दिया हुआ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्लांट प्रोडक्ट, इसमें से कौन सा पादप उत्पाद नहीं है। कैफीन, पेपलीन, निकोटीन, सैक्रीन। चलिए इसका आंसर करते हैं जल्दी से। सिनेमन का बार्क खाते हैं। प्रभात, ये पैपलीन एक एंजाइम का नाम है और ये पपीते के अंदर पाया जाता है, तो यहाँ पर आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा। पाइपलाइन उसमें दिया हुआ है जो कि स्पेलिंग गड़बड़ है। सौरभ को भी यही हम बोलना चाहेंगे, हनी को भी बोलना चाहेंगे। अब आप बताइए, पैपलीन तो एक एंजाइम है जो कि पपीते के पौधे में मिलता है। यहाँ पर आपको बताना होगा कि इसमें से कौन सा एक उत्पाद नहीं है। ध्यान से देखिए। वेरी गुड, नवंश का आंसर केवल करेक्ट है, सैक्रीन। सैक्रीन डायबिटीज के पेशेंट को दिया जाता है, जिनको भी डायबिटीज होता है उनको आर्टिफिशियल सुगर के तौर पर सैक्रीन दिया जाता है, ठीक है। यहाँ पर आपका डी जो है ये आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट में आते हैं, टमी फ्लू एक दवा है जो यूज़ की जाती है किसके अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट ये यूज़ की जाती है टमी फ्लू नामक दवा। प्रभात रंजन जी, यस, डेली होती है, 11 बजे सुबह आप आके देख सकते हैं क्लास को। बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों। टमी फ्लू एक दवा है जिसको हम लोग बर्ड फ्लू के अगेंस्ट यूज़ करते हैं। पहला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग दूसरे क्वेश्चन में। आप तब तक मुझे ये बताइएगा कि कैंसर जो है उसका टेस्ट हम लोग कैसे करते हैं, कैंसर के लिए कौन सा टेस्ट लगेगा, जो बच्चा बता देगा देखते हैं किसको याद है। कैंसर के लिए कौन सा टेस्ट लगाते हैं, एड्स के लिए कौन सा टेस्ट लगाते हैं, पोलियो के लिए कौन सी वैक्सीन देते हैं। तो पोलियो के लिए साक वैक्सीन दी जाती है, एड्स के लिए आपका वहां पर होता है एलिजा टेस्ट, ELISA। कैंसर के लिए आपका होता है बायोप्सी टेस्ट, याद रखेंगे। बायोप्सी में जिस पार्ट में कैंसर का शंका लगता है उस पार्ट से थोड़ा सा मांस निकाल करके उसमें चेक किया जाता है कि कैंसरस सेल तो नहीं आई है। इंसेक्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिटिंग डिजीज आर कॉल्ड, बोला गया है ऐसे कीटाणु, या कीटाणु तो नहीं कहेंगे, ऐसे कीट पतंग जो कि डिजीज फैला रहे हैं उनको क्या कहा जाएगा, वेक्टर, ट्रांसमीटर, ड्रोन और कंडक्टर। करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा वेक्टर। वेक्टर का मतलब होता है वाहक, वाहक का मतलब होता है जो किसी चीज को ढो के लेके इधर उधर लेके जाए, ठीक है। तो अगर मान लीजिए आप बात कर रहे हैं मलेरिया नाम के रोग का, तो मलेरिया मादा एनाफिलीज के काटने की वजह से होती है। तो मादा एनाफिलीज जो होता है दोस्तों उसका काम क्या होता है, प्लाज्मोडियम को ढो के लेके आएंगे, और इस यहाँ पर मादा एनाफिलीज आपकी वेक्टर हो गई, ठीक है। हाँ, सिया ने आंसर किया है कि हम लोग सेफ्रॉन यानी केसर का स्टिग्मा वाला पार्ट निकाल के खाते हैं, बिल्कुल, वेरी गुड। नेक्स्ट में आते हैं हम, मिल्क इज नॉट कंसीडर्ड एज ए बैलेंस डाइट नाउ अडेज बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ, किसकी अनुपस्थिति कारण दूध को संतुलित आहार नहीं माना जाता है। मैग्नीशियम और विटामिन डी, आयरन और विटामिन सी, कैल्शियम और विटामिन सी, आयरन और विटामिन ए। नवंश ने यहां पर आंसर किया है बी, सिया का भी बी आंसर आया जो कि बिल्कुल करेक्ट है। आयरन और विटामिन सी ये नहीं मिलते हैं, इसलिए मिल्क को हम लोग पूरे खाने के तौर पे नहीं जानते। एक आपको ऐसा सब्सटेंस बताना है जो कि जा करके एंटीबॉडीज को सिक्रीट करवाने में हेल्प करे, कार्सिनोजन, एंड्रोजन, एंटीजन, ऑस्ट्रोजन। एक पदार्थ जो एंटीबॉडी के उत्पादन को उत्तेजित करता है जब वह जीवित जीव में डाला जाता है, कार्सिनोजन, एंड्रोजन, एंटीजन, ऑस्ट्रोजन।
वेरी गुड। एंटीजन, एंटीजन का मतलब हो गया वो चीज़ जो शरीर में रोग पैदा करे, और जैसे शरीर में जाएगी उसके खिलाफ आपका शरीर एंटीबॉडी बनाना शुरू करेगा। ठीक है, नेक्स्ट में आते हैं हम लोग। नाइट ब्लाइंडनेस इज अ रिजल्ट ऑफ, रतौंधी किसका रिजल्ट है? नाइट ब्लाइंडनेस, प्रभात, वेरी गुड, विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है। केकड़े के कितने पैर होते हैं? 12, 10, 8, 6। केकड़े का टोटल कितना पैर होता है? यस सिया, वेरी गुड, 10 पैर होते हैं जिसमें से आगे से दो मुड़े हुए होते हैं, उसको लोग दिखता नहीं है तो उसको आठ ही बताते हैं, लेकिन एक्चुअल उनके 10 पैर होते हैं। टाइफाइड फीवर कैसे होता है? किसी को टाइफाइड फीवर होता है तो कैसे होता है? वेरी गुड, बैक्टीरिया की वजह से टाइफाइड फीवर होता है। इसमें कौन सा टेस्ट लगवाते हैं? टेस्ट का नाम उसको विडाल टेस्ट कहा जाता है। ठीक है, इन विच ऑफ द जनरली हार्मोन इज नॉट फाउंड, किसमें हार्मोन नहीं मौजूद होगा? रैट, मंकी, बैक्टीरिया और कैट। वेरी गुड, बैक्टीरिया में आपके हार्मोन एब्सेंट रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। विच ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी इज अफेक्टेड बाई अल्जाइमर? आप में से किसको किसको अल्जाइमर है? मैडम आज अभी एक घंटे पहले पढ़ाती हैं फिर भूल जाते हैं। विच ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज अफेक्टेड बाई अल्जाइमर? अल्जाइमर से कौन सा ऑर्गन को इफेक्ट होगा? सिया, हनी, आदित्य, सबको उसका सही आंसर पता है, मतलब कि तुम सभी को अल्जाइमर है ना? चलो मुझे भी है। नेक्स्ट में आते हैं हम लोग। हे फीवर इज अ साइन ऑफ, हे फीवर किसका संकेत है? माल न्यूट्रिशन, एलर्जी, बुढ़ापा, ओवरवर्क। हाँ यस, यहाँ पर करेक्ट क्या हो जाएगा? हे फीवर जो है ये आपका एलर्जिक रिएक्शन की वजह से होता है। ठीक है, यहाँ पर आपका बी करेक्ट है। अल्जाइमर मेमोरी लॉस, हाँ थोड़ा थोड़ा देर के लिए मेमोरी लॉस होता रहता है। एच वाई वी रेफर टू, आदित्य कुमार जी सोच के बताइए 16वें क्वेश्चन का नंबर, थर्ड करेक्ट हो जाएगा, सी, हाई यील्डिंग वैरायटी। ठीक है, ऐसे जीव तैयार, ऐसे जो है बीज तैयार करना जिसमें कि जेनेटिकली मॉडिफिकेशन किया गया हो और उस जीन को प्रमोट किया जाता है जो कैरेक्टर में नए पौधे में देना होता है। ठीक है, यहाँ पे आपका इसका मतलब हो जाएगा येलो वायरस, सॉरी हाई यील्डिंग वैरायटी। नेक्स्ट में आते हैं हम लोग। अमॉन्ग द डिफेक्ट ऑफ आई द शॉर्ट साइटनेस इज कॉल्ड, शॉर्ट साइटनेस को हम क्या कहते हैं? आँख के दोषों के बीच में शॉर्ट साइटनेस, कोमा, हाइपरमेट्रोपिया, मायोपिया, एस्टिगमेटिज्म। वेरी गुड, उसको मायोपिया कहते हैं। एस्टिगमेटिज्म में व्यक्ति को बहुत धुंधला दिखाई देने लगता है। ठीक है, ब्लड का अगर फ्लूइड पार्ट निकाल दिया जाए तो कासवल क्या कहलाएगी? टिश्यू, प्लाज्मा, सीरम, लिम्फ। हाँ जी, यहाँ पे अगर आप ब्लड वेसल्स निकाल देंगे ब्लड का तो वहाँ पर जो जो भी बचा हुआ पार्ट है वो आपका सीरम कहलाएगा। थर्ड आंसर करेक्ट हो जाएगा, सिया का आंसर सही है, नमश का भी सही है। मर्मर इंडिकेट्स टू, किसी के साउंड में, किसी के हार्ट में, सॉरी मर्मर का साउंड आ रहा है तो उससे हम लोग क्या कहेंगे? डिफेक्टिव वॉल, पुअर ऑक्सीजनेशन, डिसोल्यूशन ऑफ हार्ट, इम्प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ मसल्स। वेरी गुड, तो यहाँ पे मर्मर वॉइस तभी आती है जब आपके वॉल्व में कोई प्रॉब्लम हो। ठीक है,
नेक्स्ट में आते हैं हम लोग. विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज द मोस्ट क्रोजिव इफेक्ट. सबसे ज्यादा क्रोजिव इफेक्ट किस में है? एट कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट वाटर. हाँ जी करेक्ट हो जाएगा हमारे यहाँ पे. सबसे ज़्यादा जो क्रोजिव इफेक्ट है वाटर में, क्योंकि वाटर नमी बना सकता है किसी भी जगह पे, है ना, इस वजह से प्रॉब्लम आएगी. प्लांट विथ कंपाउंड लीव्स, जिनकी पत्तियाँ आपस जुड़ी हो नीचे आकर के एकदम एक पास पास जुड़ी हो, कंपाउंड लीव्स कहलाता है. कि कौन सा प्लांट ऐसा है? पपाया, कोकोनट, पीपल, हिबिस्कस. वेरी गुड. यहाँ पर देखिए आप कोकोनट में आप कंपाउंड लीव देखने को मिलेगा. ठीक है, सी आंसर बस सही आया है. व्हाट आर द बेसिक यूनिट फ्रॉम द ह्यूमन स्पेयर पार्ट कैन बी क्रिएटेड. यस, यहाँ पर करेक्ट क्या हो जाएगा हमारा? बेसिक यूनिट फॉर्म विच ह्यूमन स्पेयर पार्ट आर क्रिएटेड, स्टेम सेल. स्टेम सेल जो है, मान लीजिए किसी का पैर वैर पूरा कट गया है या पैर खराब हो गया है, तो थोड़ा सा उसमें अगर मान लीजिए मांस की फिलिंग करनी है तो बॉडी में कहीं से भी लेकर के उसमें जा करके उसको देखा जा सकता है स्टेम सेल का. उसमें हम लोग चेकिंग कर सकते हैं कि ये ग्रो करने में मदद कर रहा है या नहीं कर रहा है. ठीक है, तो स्टेम सेल की मदद से हम डिफेक्टिव ऑर्गन को भी सही कर सकते हैं, या हम कई बार हमें टिश्यू कल्चरिंग करनी होती वहाँ पर भी मदद करता है. पॉलन ग्रेन ऑफ फ्लावर पॉलिनेटेड बाई इंसेक्ट इज. कीटों द्वारा पॉलिनेशन होगा तो उसे क्या कहेंगे? स्मूथ, मतलब वो किस तरीके का होगा? स्मूथ एंड ड्राई, रफ एंड स्टिकी, रफ एंड ड्राई, लार्ज एंड शोई. पॉलन ग्रेन को हम क्या कैसा होना चाहिए अगर उसको इंसेक्ट इधर से पहुंचाएगा? तो रफ और स्टिकी होना चाहिए. ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन मैमिलियन स्किन डायरेक्टली कीप इन द बॉडी वार्म. कौन है जो शरीर को हमेशा वार्म रखता है? पिगमेंटेड सेल, स्वेट सेल, लिम्फ वेसल, ब्लड कैपिलरीज और वाणक कोशिकाएं, पसीने की ग्रंथियाँ. यहाँ पर बॉडी को वार्म रखने के लिए आपका लिम्फ वेसल मदद करता है. लिम्फ के जो वेसल होते हैं पतले पतले, पूरे जाल नुमा स्ट्रक्चर बना के पूरे शरीर में फैले हुए रहते हैं. उनका काम होता है शरीर में तापमान को मेंटेन रखना. विच फॉर्म द फॉलोइंग डिजीज यूजली स्प्रेड थ्रू मिल्क, ये बताइएगा क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी दूध के कारण फैलती है? ट्यूबरकुलोसिस, जॉइंटिस, डायथीरिया, डिप्थीरिया, कॉलेरा. करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे आपका ट्यूबरकुलोसिस की ज़्यादा इन्फेक्शन है कि वो लिक्विड मीडियम से जाकर के दूसरे में ट्रांसफर हो जाए. ठीक है, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग हैज अ सेगमेंटेड बॉडी. सेगमेंटेड बॉडी किसका होता है? मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, एलिडा, सोलेनट्रेटा. किसका बॉडी खंडों में विभाजित होता है? एनिलिडा में खंडों में विभाजित होता है. रविशंकर का मैक्सिमम आंसर सही आ रहा है. नवंश का, सिया का, प्रभात भी पूरी कोशिश कर रहे हैं, कुछ कुछ गलत हो रहा है, कुछ सही हो रहा है. हनी का भी सही आ रहा है मैक्सिमम, बढ़िया है. सबका एक एक एग्जाम्पल दे दीजिए, चारों ऑप्शन के एक एक एग्जाम्पल दे दीजिए, क्लासिफिकेशन को पढ़े हैं तो बता ले जाएंगे. मोलस्का में सीपिया यूनिया, ऑर्थोपोडा में सारे इंसेक्ट, एनिलिडा में जो है जिनकी बॉडी सेगमेंटेड होती है, सोलेनट्रेटा में ऐसे आएंगे जो कि जैसे कि आपका हाइड्रा हो गया, जेलीफिश हो गया. ठीक है, हाउ मेनी लेयर डज ह्यूमन स्किन हैव. त्वचा में कितनी परतें होती हैं? 5, 7, 4 और 3. त्वचा में एपिडर्मल लेयर के अलावा जो है आपका डर्मल लेयर, ये सब चीज़ें पाई जाती है. 3 तरीके का टोटल उसमें जो है आपको मौजूद रहेगा लेवल. इट कॉजेस क्लॉटिंग ऑफ ब्लड. ब्लड की क्लॉटिंग में कौन मदद करेगा चारों में से? थ्रोम्बिन, हीमोग्लोबिन, पेक्टिन, ऑल ऑफ अबव. यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा थ्रोम्बिन. थ्रोम्बिन ही ये काम करता है. ठीक है, हनी कंटेन्स मेनली. हनी में क्या होता है? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट और विटामिन.
इसमें आपको जो है ना हनी में कार्बोहाइड्रेट देखने को मिलेगा, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट ये आपको इसमें प्राप्त होता है, ठीक। ओके जी, ओके चलिए इसमें आ जाते हैं हम लोग। अब क्या बताइएगा, इसमें से कौन सा बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है जो कि इन्वायरमेंट में ख़त्म हो सकता है? वूल, पॉलिथीन बैग, प्लास्टिक, नायलॉन। वूल को हम लोग इन्वायरमेंट में ख़त्म कर सकते हैं। हाउस फ्लाई कौन सा रोग फैलाती है? सबको क्लियर नहीं दिख रहा है, बस सिया को। वेरी गुड। हाउस फ्लाई जो है कौन सा रोग फैलाती है पूछा गया है। हाउस फ्लाई टाइफाइड रोग फैला सकता है। चलिए अच्छे है, नेक्स्ट में आते हैं हम लोग। लॉक जॉ किसका लास्ट फेज है? डिथीरिया, निमोनिया, सिफिलिस, टिटनेस। आसान है ये, लॉक जॉ जो है आपका ये बेसिकली टिटनेस का ही एक लास्ट फेज होता है, ठीक है। मेंडल्स प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस आर बेस्ड ऑन? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ऑल ऑफ अबव। मेंडल एक्सपेरिमेंट जो है इन्होंने बेसिकली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लिया था। सेक्सुअल का मतलब हो गया मेल और फीमेल की आवश्यकता पड़ती है। वेजिटेटिव का मतलब हो गया प्लांट से कोई पार्ट काट के लगा दिया। एसेक्सुअल का मतलब उनको किसी की आवश्यकता नहीं हुई, यहाँ पर लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। वायरसेस आर मेड अप ऑफ प्रोटीन, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन, लिपिड और कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट और न्यूक्लिक एसिड। करेक्ट हो जाएगा हमारा बी, निकोटीन और प्रोटीन। ये बताइएगा विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेंटली मैच्ड? सही सही जो मैच दिया बताइएगा। मलेरिया, क्लोरोक्वीन दवाई जो है ये करेक्टली मैच्ड है, बाकी सब गड़बड़ लिखा हुआ है। टिटनेस आपका टेस्ट जो है क्लास्ट्रिडियम टिटानी की वजह से होता है, और ट्यूबरक्लोसिस में BCG का टीका लगता है, उल्टा पुल्टा दिया हुआ है ये। कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन ने मसल्स आर, मांसपेशी में सिकुड़ने वाले प्रोटीन कौन से हैं? ये लास्ट क्वेश्चन कर लीजिए। एक्टिनोमायोसिन, एक्टिनो ट्रोपोमायोसिन, मायोसिन और ट्रोपोनिन, ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन। कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन की बात कही गई है तो उसमें दो ही आ जाएगा, एक्टिनोमायोसिन, ठीक है। ओके, यस यस यस, वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलिए फिर, थैंक यू सो मच, हम लोग कल मिलते हैं। कल से हमारा स्पेशल, कल नहीं परसों से हमारा यूट्यूब क्लास वापस से 11 बजे स्टार्ट हो जाएगा, और ये 3 दिन चलेगा, मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे। डेली डेली जो है ये कोर्स अभी तो मतलब चल रहा है, इसके आगे देखिए वो जो है इसमें भी ये प्लानिंग है, पर देखेंगे सुविधा अनुसार जो है उसको बनाया जाएगा कोर्स को। चलिए, थैंक यू सो मच, गुड बाय।